लाल झंडा पेंडू चौकीदार यूनियन ने फूंका पुतला, सरकार से अपील, मांगे करें पूरी। आज लॉरेंस रोड चौक पर लाल झंडा पेंडू चौकीदार यूनियन पंजाब की ओर से पंजाब सरकार का पुतला फूंका गया। यूनियन सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए। उनकी मांग है कि पेंडू चौकीदारों को 2500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जाए, पेंडू चौकीदारों को श्रम कानून में शामिल किया जाए, पेंडू चौकीदारों से जन्म तथा मौत की रजिस्ट्रेशन का छीना अधिकार वापस दिया जाए, पेंडू चौकीदारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह सेहत सुविधाएं दी जाए, पेंडू चौकीदारों को हरियाणा पैटर्न के अनुसार वेतन व अन्य सुविधाएं भी दी जाएं। मेरा नाम सुरिंदर सिंह, मैं पंजाब का तहसील सकत्तर जिले हुशियारपुर तो हाँ। साडियां मेन मंगा हैं कि सानू चौथे दर्जा सानू चौथा दर्जा दिता जाए और मैनू जी अपनी पंजाब सरकार आ कांग्रेस सरकार आ इन्होंने अपने मैनूफेस्टी के एक गल कही सी कि असी चौकीदारों 2500 रुपया जो देवे हूँ साढ़ा 1200 रुपया है। असी 2500 रुपये की मंग की सी पर जदों इन्होंने आप 5 साल बीत गए आ हले तक सानू 1250 से ही लटकाया आ साढ़ा 2500 रुपया नहीं किया। जेड़ा साडा कोई पिंडां दे विच रिकॉर्ड सीगा साडे कोल चौकीदारां दे कोल जन्म मौत दा रिकॉर्ड सी ओह भी साडे तों खोलिया। असीं इह मंग करदे हां कि सानू जन्म मौत दा रिकॉर्ड जिहड़ा ओह भी सानू वापस दित्ता जावे ते साडा जो 2500 रुपया साडे नाल वादा कीता सीगा ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8500 ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਆ ਉਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 8500 ਰੁਪਈਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।